हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों को डिजिबिलिटी के रूल को आगे बढ़ाते हुए यानी विभाजता का नियम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पांच के वाले में देख ले रहे हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि यदि दो की पावर एन दिया हो, कितनी भी बार दिया हो, तो हम उसे कैसे पता करेंगे या इसका लास्ट का डिजिट कैसे पता करेंगे, वो भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता दिए। दोस्तों आइए आज हम देखते हैं यदि पांच की पावर दिया हो यानी कि पांच की पावर एन का यदि दिया हो डिजिबिलिटी रूल कैसे पता करेंगे। दोस्तों आइए हमारा कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने है, आइए हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या क्वेश्चन, यदि पांच की पावर एक दिया हो तो यानी पांच की पावर एक दिया तो मतलब पांच का गुणा अगर एक बार करेंगे तो क्या आएगा, पांच ही आएगा। वह संख्या विभाजित होगी जिसका लास्ट का वन डिजिट, लास्ट का एक डिजिट पांच से विभाजित हो। दोस्तों आइए देखते हैं उसका अंतिम का डिजिट क्या, हमारा केवल और केवल एक डिजिट देखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा क्या, लास्ट का वन डिजिट यानी लास्ट का एक अंक, ठीक है। तो हमें लास्ट का एक अंक पकड़ लीजिए, यदि वह पांच से कटता हो तो सारी संख्या चाहे जितनी बड़ी दी हो वो सारी की सारी क्या होगी, पांच से विभाजित होगी। देखिए पांच पांच से कट रहा, पांच एकम पांच, यानी कि यदि पांच से कट गया तो ये सारी की सारी संख्या यदि हम इसके पांच से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, पांच से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा क्या था, पांच का विभाजता का नियम था। आइए अब हम देखते हैं पांच की पावर टू दिया हो यानी पांच की पावर दो दिया हो तो क्या करेंगे, उसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दोस्तों यानी कहने का मतलब हमने इस पहली वाली वीडियो में क्या देखा था कि जितनी जिसकी पावर है उतने उसके लास्ट का डिजिट चेक करना है। तो यहाँ पे पांच की पावर दो है यानी कि हमें देखने की जरूरत नहीं, पढ़ने का कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि पांच की पावर दो दिया है यानी कि अंतिम का क्या होना चाहिए, लास्ट का टू डिजिट यानी दो अंक क्या होना चाहिए, पच्चीस से पांच की पावर पांच यानी कि पांच बुढ़े पांच करेंगे क्या आएगा, पांच बुढ़े पांच करेंगे पच्चीस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पच्चीस हमने लिख दिया, पच्चीस से विभाजता का नियम हमारा क्या कहता है, यदि दी गई संख्या का अंतिम का दो अंक पच्चीस से विभाजित हो वह चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो वो क्या होगी, पच्चीस से विभाजित होगी। देखिए क्या पचहत्तर किससे, पच्चीस से विभाजित है, पच्चीस दिया पचहत्तर कट जाएगा। दोस्तों पच्चीस का पहाड़ा तीन बार कट करेंगे कट जाएगा, पच्चीस दिया पचहत्तर, बाकी आगे की संख्या को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट का डिजिट हमें देखना है। ये हमारा विभाजता का नियम किसका कहता है, पच्चीस का विभाजता का नियम कहता है, इसके अंतिम का दो अंक किससे विभाजित हो, पच्चीस से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पच्चीस से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम देख ले रहे हैं पांच की पावर तीन दिया हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे पांच की पावर तीन दिया तो अंतिम का तीन डिजिट, कहने का मतलब लास्ट का थ्री डिजिट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट का थ्री डिजिट किससे विभाजित होना चाहिए, एक सौ पच्चीस से विभाजित होगा। यह देख लीजिए पांच की पावर तीन यानी पांच का क्यूब क्या होता है, एक सौ पच्चीस होता है कि नहीं होता है, पांच का पावर एक सौ पांच की पावर तीन दिया हो तो 125 से विभाजित हो जाएगा। वह लास्ट का थ्री डिजिट हमने पहले से अंडरलाइन कर दिया। दोस्तों आइए देखते हैं क्या 125 से कटता है, जी बिल्कुल कट जाएगा, 125 दुना 250, 125 दुना 250 किससे कट जाएगा, 125 से कट जाएगा। आगे की संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसे हमें नहीं देखना, केवल और केवल लास्ट का डिजिट है, यदि जितना बार बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग यदि दिया है तो कट जा रहा है, तो हमारी आगे की चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो वह बिल्कुल ही विभाजित हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा विभाजता का नियम किसका था, 125 का विभाजता का नियम था। आइए अब हम देखते हैं यदि पांच की पावर फोर कहीं पर दिख जाए तब, पांच की पावर फोर बराबर कितना होता है, 625 होता है, पांच की पावर फोर बराबर कितना होता है, 625 होता है, कितना डिजिट, लास्ट का फोर डिजिट, लास्ट का फोर डिजिट यानी पांच की पावर फोर। अब हमें देखना है क्या लास्ट का फोर डिजिट कितना, यही हमारा हो जाएगा 1250, 1250 क्या किससे कट जाएगा, 625 दुना 1250, 625 दुना 1250 ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 625 से कट जाएगा। कहने का मतलब यह है यदि लास्ट का फोर डिजिट 625 से विभाजित हो वह आगे का कितनी भी बड़ी संख्या हो वह हमारी उससे नहीं मतलब है। दोस्तों वह हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 625 से विभाजित हो जाएगी, या 625 का विभाजता का नियम इसी तरह कितना भी पावर दिया हो, जितनी भी पावर दिया हो। आइए अभी हम आप लोगों को बताते हैं, पहले देख ले रहे हैं यदि पांच की पावर पांच दिया हो तो क्या करेंगे, पांच की पावर पांच मतलब हमें पहले ही पता चल गया लास्ट का कितना डिजिट लेना है, फाइव डिजिट लेना, कितना डिजिट लेना है, फाइव डिजिट लेना, ठीक है दोस्तों, सिक्स डिजिट हो सॉरी फाइव डिजिट लेना हमको, ठीक है फाइव डिजिट लेना है। अभी देखेंगे क्या यह 3125 से कट रहा है, पांच की पावर पांच बराबर कितना होता है, 3125 होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख दें 3125 होता है, ठीक है। लास्ट का कितना डिजिट, लास्ट का फाइव डिजिट, लास्ट का
फाइव डिजिट, यानी कहने का मतलब जिसकी पावर जितना होता है उसकी उतनी ही लास्ट की डिजिट दिया जाता है। या 3125 दिया हुआ, 3125 दुना कितना हो जाएगा हमारा, यदि उसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 96225 हो जाएगा, 250 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा किससे कट जाएगा, 3125 से कट जाएगा दोस्तों। ये हमारा किसका, 5 की पावर 5 दिया हो तो उसका विभाजक का नियम। यहाँ तक कभी नहीं पूछा जाता है दोस्तों, कभी कभी यहाँ तक पूछा भी जाता है हमारी आपकी परीक्षाओं में, इसलिए हमने क्या एक नोट के तौर पे लिख दिया है, यदि यह 5 की पावर n वो संख्या विभाजित होगी जिसका लास्ट का डिजिट n, यानी n का मतलब, कहने का मतलब n का मतलब जितना नंबर दिया हो, n हमारा यही है दोस्तों, जितना नंबर दिया हो, 5 दिया हो 6 दिया हो 7 दिया हो, वह कितने संख्या उसके उतने ही लास्ट का डिजिट पकड़कर आप उसी संख्या से विभाजित कर देंगे, वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी दोस्तों। ये हमारे किसका नियम था, 5 का रूल था। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को हम 3 और 6 का बताएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों लोग 3 और 9 का बताएंगे, 3 और 9 का बताएंगे, ये दोनों यही आपस में ही कंबाइंड है, इसलिए जितने लोग कंबाइंड है उन लोगों को कंबाइंड के तरीके से हम बता रहे हैं दोस्तों। हमारा बताया हुआ तरीका विभाजिता का नियम कैसा लगा आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे 3 और 9 का। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। डिजिबिलिटी का रूल को इसी तरह हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।